जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पे वीडियो है। तो सबसे पहले बता दूं कि आज हमारे पास जो यशदीप एकेडमी में हमारे खुद के ऑफलाइन क्लासेस में प्रीलियम चालू, ये मैराथन मींस अलजेब्रा का है, बट मैं आपको पेपर पैटर्न नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ पेपर किस हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि किस हिसाब से हमको लिखना ना उसी पे हमको मार्क्स मिलता है। सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए पेपर का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो। हमारे पास एक कॉपी हमारे क्लास का स्टूडेंट इसको लिखा, मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ कि किस हिसाब से हम लोग इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर इधर पे दिखाया जाए तो आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में अगर इस हिसाब से आप लिखोगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो आपको पेपर पैटर्न नहीं मालूम है तो जाकर देख लो, यशदीप टेक पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए जो दिया रहता है ऐसे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। अब उसमें हम लोग को क्या करना रहता है, चार ऑप्शन दिया रहता है उसमें चुन के लिखना रहता है, पहले क्या करना उसको लिख देना, उसके बाद जैसे क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम है आप लिख सकते हो, आप टॉपर हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, बस इसको क्या क्वेश्चन लिख के उसका आंसर क्या है, तो आंसर बी है और बी का कुछ आंसर आया है थ्री आया तो थ्री लिख दो। दूसरा क्वेश्चन लिख दे उसका आंसर कितना डी है, डी लिख के उसका जो है उसको लिख दो उसके बाद देखो। ऐसा अगर करोगे ना दोस्तों तो आपका 100% बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, जो पेपर साइन करेगा खुश होकर ऐसे ही सही कर देगा क्योंकि उनको क्लियर समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, अब उसमें बी दिया है, बी में हम लोग को सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, इसमें हमको चार क्वेश्चन दिया रहता है, चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखो कितना क्लियर पहला वाला हो गया, पहला क्वेश्चन लिखा गया उसको सॉल्व किया क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन हम लोग क्लियर लिख सकते, दूसरा क्वेश्चन लिखा गया बट जगह था, आगे दिखाता आपको यहां पर देखोगे, बट यहां पर अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है यहां पर बी, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या चल रहा है, बी चल रहा है ना, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, अब उसमें थर्ड फोर्थ आराम से, फोर्थ का क्या हुआ सेकंड थर्ड फोर्थ, ये पूरा आपका चार क्वेश्चन करना रहता है, चारों क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां पेजेस बचे, सर यहां कर देंगे तो यहां नहीं करना क्योंकि हम लोग को जो नया क्वेश्चन होता है नए पेजेस से चालू होता है। तो अभी यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए में हम लोग को कंप्लीट रहता है एक्टिविटी, तो उसमें हम लोग को कितने करने हैं देखो ध्यान से, पहला वाला अभी यहां पर फर्स्ट लिख रहे हो आराम से अच्छे से, देखो कितना क्लियर एक्टिविटी, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी भर देना, जो एक्टिविटी में पूछा बस उतना भरेंगे, देखो कितने अच्छे से उसको बॉक्सेस कर देंगे पेंसिल से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड का ए का सेकंड दूसरा वाला किए अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो उसको ऐसे लाइन से कर देंगे, इस लाइन से लाइन ड्रॉ कर देंगे, कितना अच्छे क्लियर से दिख रहा है आपको कि अगर आपको भी साइन करने के लिए पेपर मिलेगा तो आप भी खुश होकर क्या करोगे अच्छा मार्क्स दोगे, वही सोच के आपको लिखना है पेपर में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी, अब सेकंड के बी में भी हम लोग को क्या करना है सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन नंबर पहला लिख के उसको अच्छे से सॉल्व किया गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा गया, अब उसके बाद ये भी सॉल्व हो गया, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी क्या चल रहा है सेकंड का भी, उसमें का तीसरा एंड चौथा चारों हो गया, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। तो उसके जो पेजेस बचे हैं ना उसमें ऐसा लाइन करके इसे आप क्या करोगे क्रॉस का लाइन एक बार कर दोगे, उसके बाद क्योंकि नया क्वेश्चन चालू करना है तो उसको हम लोग कहाँ से करेंगे नए पेजेस से। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है उसमें भी हम लोग को एक्टिविटी देखो कितना क्लियर आपको दिख रहा होगा क्या क्या एक्टिविटीज के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए में पहला हो गया, उसके बाद ए बी में देखोगे तो पहला हो गया, अब इसके बाद अभी देखो ए थर्ड का बी है तो यहाँ पर आप इसे डाल सकते हो, थर्ड का क्या है बी है, ए भी क्लियर हो गया, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब उसके आगे देखोगे तो ए बी में अगर आपका रॉन्ग हो जाता तो वहाँ डिजाइन नहीं करने का, पेंटिंग नहीं करने के लिए आप जा रहे हो तो उसको एक बार क्रॉस कर दिए, फिर उसके आगे इधर लिख दिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ चालू हुआ, आपको जितना आ रहा जितने अच्छे से हो सकता है लिखना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ए भी नहीं दिया क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखे उसमें अच्छे से क्वेश्चन क्या करना है पहले भी लिख दिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में नए पेजेस है, अगर क्वेश्चन फोर्थ में और करना रहता तो नीचे करते बट नहीं करना है कोई बात नहीं इसको अंडरलाइन कर दे, नए क्वेश्चन नए पेजेस से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला अच्छे से, क्योंकि फिफ्थ में भी हम लोग को क्या करना है ऐसा तो है नहीं कि हमको दो तीन करना है, एक ही दिया रहता है सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन जो दिया हुआ हम लोग को करना है। तो दोस्तों अगर इतना अगर दोस्तों इस हिसाब से अगर आप करोगे तो आपका जो प्रीलिम एग्जाम होगा क्योंकि मेरे क्लास एसडी एकेडमी में चलता है और पूरा अच्छे से पढ़ाकर हो गया हर एक चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर एक चीज बताकर इतने अच्छे से बच्चे पेपर लिख रहे हैं, क्योंकि जनवरी में क्या चालू होने वाला प्रीलिम पेपर चालू होने वाला, अब उसके बाद अब भी अगर उनका तैयारी हो जाएगा दोस्तों ना तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि हमें चाहते हैं जो हमारे ऑफलाइन के साथ साथ जो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब के जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका भी क्या आना चाहिए अच्छा मार्क्स आना चाहिए,
है दोस्तों। तो आपको बस क्या करना है, इस पेपर को ऐसा खरीद लेना नॉवेल्टी से, और उसके बाद आपको ये जो पेपर है, आपके पास प्रैक्टिस पेपर होगा, प्रैक्टिस पेपर है, उसको अच्छे से लेकर प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसके बाद जो आपको ये फर्स्ट पेजेस किस हिसाब से भरते हैं एचडी टाइप पे आपको वीडियो मिल जाएगा, इसको अच्छे से देखो, एक भी गलती नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर इतना कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम प्रीलिम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड अपने दोस्तों में शेयर करना, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।